रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा के पदम नगर थाना क्षेत्र के दुबे कॉलोनी में मुंशी चौक पर एक परिवार धरने पर बैठ गया। इनका कहना है कि हमारे रिश्तेदार जो पड़ोसी में रहते हैं, हम फकीर मोहल्ले में निवास करते हैं, हमारे पड़ोसी द्वारा हमें आए दिन गाली गलौज कर मारपीट की जाती है और हमें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। कई बार हमारे द्वारा पुलिस में शिकायत की गई लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इसी को लेकर आज हम परिवार सहित धरने पर बैठ गए। वही सूचना मिलते ही पदम नगर पुलिस मौके पर पहुंची और धरने पर बैठे परिवार को समझाइश दी और उन्हें थाने ले गए, जहां पुलिस द्वारा उनकी समस्या सुनी गई। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है परिवार का। भीख मांग के खा ले, मगर किसी बहन बेटी की कमी खाने पे हम आमादा नहीं है। इस बात को हम कोर्ट में कैसे प्रूफ करेंगे कि हमको आए दिन ऐसा बोलती है? क्या सबूत है हम पुलिस वालों को कि हमको ऐसा बोलती है? पुलिस वाले किस बेसिस पे हमारे साथ में इंसाफ करेंगे? पुलिस वाले तो ये बोलेंगे ना कि बताओ उसने क्या गाली दी। पुलिस वालों को कैसे पता चलेगा कार्रवाई करने के लिए? तो हम धरने पे बैठ गए कि आप कुछ स्थाई इसका समाधान निकालो। एक हमारी भी मर्यादा है, सम्मान है, हम अब मरकर रह सकते हैं, इतना हम नहीं सर बर्दाश्त कर सकते। कुछ बर्दाश्त करने की सीमा होती है। अगर यहाँ से पुलिस वाले उठा के हमको जेल में बंद कर देंगे तो मैं जेल में आमर अनशन करूंगा। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, ये ब्लड प्रेशर की मरीज है, ये ब्लड प्रेशर की मरीज है, हम तीनों मर जाएंगे। पिछले एक वर्ष से ये हमारे तीन मामा जी का घर है, तो उनके बीच में हिस्सा हुआ, तो हमारे बड़े आधे मामा ने उनका हिस्से पर मकान बना चुके हैं। अब इनकी किसी से भी फ्रेंडशिप हो, कोई भी अच्छे मित्र हो इनके, पैसे वाले ठेले वाले, अब ये हमको आए दिन गाजी बकती रहती है कि तुम उनसे मेरी हाड़ खा रहे हो, तुम उनसे मेरी हाड़ खा रहे हो, मेरी क्यों हाड़ खा रहे हो, वो तुमको पैसे दे रहा है, तुम जमाने भर का मैं भी आया, मेरे को भी भाड़ू भरवा 1000 बार बोल चुकी है और आए दिन गाली बकती है। अब हम थाने में भी इस बारे में गए हैं तो कई बार पुलिस वाले भी अच्छे, प्रशासन भी अच्छा है, प्रशासन से हमने कई बार इसकी शिकायत करी तो हमको भी पुलिस वालों ने बेचारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि आप मकान यहाँ से खाली कर दो। तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम गरीब लोग, अगर हमारे पास इतने पैसे रहते कि यहाँ से हम खाली करके कोई अच्छे वीआईपी मोहल्ले में चले जाए तो हम क्यों ना चले जाते? या हमारी मदद कर दो, चंदा कर दो कि हमारे पास इतने पैसे आ जाए कि हम यहाँ से मकान बेच के अच्छे मोहल्ले में चले जाए। यहाँ बैठने से क्या मिलेगा? बैठने से ये कि हम 1000 बार जा चुके हैं थाने और इस बारे में हम प्रूफ नहीं कर सकते कोर्ट में भी और पुलिस में भी कि आए दिन हमको प्रताड़ित करती है, आए दिन हमको भाड़ू भड़वा धंधे वाली और जमाने भर का बोलती है, हमारे पे खर्चा, हम मजदूर है, नाली निकालते, हम झाड़ू लगाते, भीख मांग के खा ले, मगर किसी बहन बेटी की कमी खाने पे हम आमादा नहीं है। इस बात को हम कोर्ट में कैसे प्रूफ करेंगे कि हमको आए दिन ऐसा बोलती है? क्या सबूत दे हम पुलिस वालों को कि हमको ऐसा बोलती है? पुलिस वाले किस बेसिस पे हमारे साथ में इंसाफ करेंगे? पुलिस वाले तो ही बोलेंगे ना कि बताओ उसने क्या गाली दी। पुलिस वालों को कैसे पता चलेगा कार्रवाई करने के लिए? तो हम धरने पे बैठ गए कि आप कुछ स्थाई इसका समाधान निकालो। एक हमारी भी मर्यादा है, सम्मान है, हम अब मर जाना चाहते हैं, इतना हम नहीं सर बर्दाश्त कर सकते, कुछ बर्दाश्त करने की सीमा होती है। अगर यहाँ से पुलिस वाले उठा के हमको जेल में बंद कर देंगे तो मैं जेल में आमर अनशन करूंगा। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, ये ब्लड प्रेशर की मरीज है, ये ब्लड प्रेशर की मरीज है, हम तीनों मर जाएंगे। चलो ठीक है साहब, आगे बात वो आएंगे साहब को, आप हमारी प्रॉब्लम रखो, हम कहाँ तक इतने एक्शन लो, नहीं तो हमको क्या करो आप, सजा दे दो। अब हम ये सर को हमने कई बार ये प्रॉब्लम बता चुके हैं और सर भी बहुत अच्छे हैं, मगर सर के पास में हमारे पास सबूत पेश करने के लिए कुछ नहीं है कि हमको आए दिन प्रताड़ित करती है। अब इससे पूछो ये किस बात पे गाली बकती है?
जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाएं एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल।